तो यार आज इस वीडियो में एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जिस एप्लीकेशन की मदद से अगर आप किसी पर्सन को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो और आप चाहते हो भाई जो मैंने मैसेज टाइप कर दिया एक्चुअल में वो बार बार उसी बंदे के पास जाता रहे, बार बार जब तक हम उस मैसेज को रोके नहीं जब तक वही मैसेज उस बंदे के पास जाता रहे जो कि 100, 200, 300, 400 जितना हो सके उतनी मैसेज उस बंदे के पास पहुंच जाएगा। और वो बंदा भी सोचेगा भाई एक्चुअल में इतने सारे इतनी ज्यादा मैसेज मेरे पास आ कैसे रही है और एक साथ इतनी तेज स्पीड में मैसेज कैसे आ रही है। तो यार आप ये सारा काम एक्चुअल में कर पाओगे इस वीडियो के माध्यम से। मैं एक ऐसी ट्रिक भी बताने वाला हूँ जिसकी मदद से अगर आप चाहते हो कि भाई किसी पर्सन का हमने फोन ले लिया और उस पर्सन ने हमारे फोन में या अपने फोन में फाइल मैनेजर पे लॉक लगा दिया, एक्चुअल में हमें जानना है कि भाई फाइल मैनेजर में इसके फाइल मैनेजर में एक्चुअल में है क्या क्या और वो बंदा पासवर्ड नहीं बता रहा, तो आप इस ट्रिक के जरिए उसके फाइल मैनेजर को एक्सेस कर पाओगे और आप देख पाओगे कि उसके फाइल मैनेजर में कितनी सारी फोटो है, वीडियो है प्लस म्यूजिक है। ये ट्रिक वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। तो यार ऐसी ट्रिक जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं हर एक वीडियो के साथ एक नया ट्रिक दिखाऊंगा जो एक्चुअल में आप अपने स्मार्टफोन या किसी और के स्मार्टफोन में ट्राई कर सकते हो। तो हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज रोहित और स्टार्ट करते हैं। तो यार इस एप्लीकेशन का नाम है ऑटो क्लिकर। बेसिकली ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, तो आप प्ले स्टोर पे जाइए और वहां पे सर्च कर दीजिए ऑटो क्लिकर, वो एप्लीकेशन मिल जाएगा और आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अब जैसे ही डाउनलोड करते हो तो यार इस एप्लीकेशन को आप बेसिकली ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स करने जरूरी है और यहाँ पे कुछ परमिशन भी देना जरूरी है तभी ये सारा काम कर पाएगा। एक्चुअल में सारा परमिशन देने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के साइड में पॉपअप आ जाएगा, शो हो जाएगा। इन पॉपअप में आपके कुछ मैनुअल सेटिंग्स भी देखने को मिल जाते हैं जहां से आप सेट कर, जो व्हाट्सएप पे सेंड करना चाहते हो वो कितने वर्ड का है तो आप उतने हिसाब से सेट कर लीजिए। और एक्चुअल में जितनी भी सारी सेटिंग होने के बाद आपको करना क्या होगा, आप यहां से पूरी तरह से बैक हो जाइए। बैक होने के बाद आप अपने व्हाट्सएप को ओपन करेंगे और व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद आप उस पर्सन को क्लिक कीजिए जिसे आप बहुत ज्यादा मैसेज भेजना चाहते हो एक ही वर्ड के। तो यार उस पर्सन के चैट सेक्शन पे आ जाइए और वहां पे आने के बाद आप अपने कीबोर्ड पे आ जाओगे। और एक्चुअल में कीबोर्ड पे आने के बाद आपको यहीं पे सारा सेटअप करना पड़ेगा और सारा सेटअप करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ आइकॉन्स देखने को मिल रहे हैं। तो यार आपको इन आइकॉन्स के उन वर्ड पे लिख रखना पड़ेगा जो आप लिखना चाहते हो। जैसे मैं ही लिखना चाहता हूँ, इस एक आइकॉन को मैंने एच पे रख दिया और एक आइकॉन को मैंने आई पे रख दिया और तीसरे आइकॉन को मैंने सेंड पे रख दिया। तो एक्चुअल में ये सारा सेटअप करने के बाद आपको यहाँ पे प्ले करके एक ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पे प्ले करके ऑप्शन को क्लिक कर देना होगा। अब जैसे ही आप प्ले क्लिक कर देते हो तो आप देखोगे कि आपका जो सारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है और आप देखोगे कि वही मैसेज बार बार उस बंदे पे जा रहा है, जितनी हो सके उतनी भी मैसेज उस बंदे पे चला जा रहा है, जाता ही जा रहा है। जब तक आप स्टॉप नहीं करोगे तब तक ये मैसेज उसे सेंड करता रहेगा। इस तरह करके आप ये काम कर सकते हो और यहां से आप कितने भी वर्ड आप एक साथ मैसेज में टैप करके उस बंदे को सेंड कर पाओगे जो कि काफी कमाल का है। अब चलिए बात करते हैं हम ऑफर ट्रिक की ओर। तो यहाँ पे ऑफर ट्रिक पे मैंने क्या बताया था कि भाई अगर आप चाहते हो कि हम किसी पर्सन का फोन पा चुके हैं और इस पर्सन के फाइल मैनेजर में क्या क्या है हम इसे जान सकें और वो पर्सन हमें जो है पासवर्ड नहीं बता रहा जिसकी मदद से हम उसके फाइल मैनेजर पे जा नहीं पा रहे, तो यहाँ पे एक ट्रिक बताने वाला हूँ। इस ट्रिक के जरिए आप उसके फाइल मैनेजर को एक्सेस कर पाओगे उसी की स्मार्टफोन में। तो यार इसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउजर पे आना होगा और क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार करके टाइप कर देना होगा जो कि होगा फाइल और यहाँ पे क्लोक वाला बिंदी प्लस डैश 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 और एसडी कार्ड। इस तरह करके आपको जो है टाइप कर देना होगा और टाइप करने के बाद आपको सर्च कर देना होगा। अब जैसे ही आप सर्च कर देते हो तो आप आपको एक फाइल से देखने को मिलता है जो कि आपके सारे फोल्डर्स शो हो रहे होंगे और आप वहां पे फोल्डर पे जाकर चेक कर सकते हो कि उन फोल्डर पे एक्चुअल में कौन कौन सी फोटो वीडियो और म्यूजिक है, सब कुछ आप इस तरह करके देख पाओगे बिना किसी का लॉक स्क्रीन खोले और बिना उस बंदे के पासवर्ड बताए आप फाइल मैनेजर को एक्सेस कर पाओगे। तो यार पास आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो बाय।